हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील बार। दोस्तों सरिये का वजन कैसे निकाले बिना मशीन पे तोले, राइट, वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत बार दोस्तों स्टील का वेट निकालने की जरूरत पड़ती है। जब भी दोस्तों हम बिल बनाते हैं, मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड करते हैं, या फिर दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई स्टील की गाड़ी आती है, तब भी दोस्तों हमें क्या जो है स्टील का वेट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ, किसी भी सरिये का वेट आप निकाल पाओगे और बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे, 8 mm का अगर डायमीटर है तो, ठीक है, तो 8 mm का डायमीटर है तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसके जो है लिख लेना है कि इसका जो डायमीटर को क्या बोलेंगे हम, डी, तो डाया है 8 mm, इस तरह से आपको लिख लेना है। उसकी लंबाई है कितनी है, 12 मीटर, ठीक है, ये भी आपको लिख लेना है डी और एल। इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका जो डायमीटर है वो 10 mm का है, लंबाई जो है इसकी वो करीबन 12 मीटर की है। सारे सरे दोस्तों 12 मीटर के आते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने 12 मीटर ली है। यहाँ पे डी हमारा 12 mm हो जाएगा और एल हमारा 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको पहले लिख लेना है। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको एक इक्वेशन याद रखना है, राइट, इक्वेशन याद रखना है, कौन सा वाला, डी स्क्वेयर अपॉन 162, ठीक है, आपको इक्वेशन याद रख लेना है, डी स्क्वेयर अपॉन 162, राइट, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, डी स्क्वेयर अपॉन 162, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं डी क्या है, तो यहाँ पे डी जो है हमारा, डी क्या है, डायमीटर ऑफ स्टील बार, डाया ऑफ स्टील बार, ठीक है, उस यहाँ पे डी जो है वो डाया ऑफ स्टील बार है, ठीक है, ये याद रखना है। और 162 तो कुछ कॉन्स्टेंट है, वो आपको सेम लेना है, ठीक है। अब जब भी हमें ये जो सरिया है, राइट, सरिये का वेट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वेशन क्या है, ये यूनिट वेट के लिए इक्वेशन है, यूनिट वेट, ठीक है, ये आपको 1 मीटर का सरिया जो है उसका वेट देगा, ठीक है, 1 मीटर का सरिया जो है उसका वेट देगा। तो हमें 12 मीटर का सरिये का वेट चाहिए, तो हम इक्वेशन को चेंज करेंगे, डी स्क्वेयर अपॉन 162 इंटू एल, एल मतलब जो भी सरिया की लंबाई है वो आपको यहाँ पे लेनी होगी, तो डी स्क्वेयर अपॉन 162 इंटू एल, राइट, उसी तरह से डी स्क्वेयर अपॉन 162 इंटू एल, ठीक है, तो ये आपको लेना होगा। ठीक है, तो ये आपको लेना होगा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट डाउन करेंगे, तो डी हमारा यहाँ पे क्या है, 8 mm, यहाँ पे डी है, डी स्क्वायर है, इसके लिए हम 8 × 8 कर देंगे अपॉन 162 करेंगे। एल हमारा क्या है, 12 मीटर, ठीक है, एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12 मीटर की है, तो हम 12 रखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे हमारा डी क्या है, 10 mm है, तो 10 × 10 करेंगे अपॉन 162 करेंगे, लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर 12 है। उसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यू पुट डाउन करेंगे, डी हम आप यहाँ पे 12 है, 12 × 12 करेंगे, डिवाइड बाय 162 करेंगे, लंबाई इस दोस्तों इसकी कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। अब जैसे आप ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वेट हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा करीबन, ओके, यूनिट वेट इसका 395 आएगा, यहाँ पे वेट आपको मिलेगा 4.74 kg, मतलब 12 मीटर का 8 mm का जो 12 मीटर का सरिया है, ठीक है, 8 mm का 12 मीटर का जो सरिया है उसका वेट कितना आया, 4.64 kg, ठीक है। उसी तरह तो दोस्तों 10 × 10 × 162 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो ये वेट कितना आएगा, 7.40 kg, मतलब 10 mm का 12 मीटर की लेंथ होगी तो उसका वेट कितना आएगा, 7.40 kg। उसी तरह से 12 × 12 करेंगे, मतलब डिवाइड बाय 162 करेंगे तो इसका वेट आएगा 10.68 kg, मतलब दोस्तों 12 mm का सरिया जिसका लंबाई 12 मीटर है, राइट, उसकी वेट कितना आएगा, 10.68 kg, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे जो बार है उसका भी वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 16 mm का जो बार है उसका 12 mm का वेट कितना आएगा, 18.96। उसी तरह से 20 का जो है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है, 16 का मैंने बता दिया, 20 का 12 मीटर का 20 mm का डाया है, ठीक है, उसकी लेंथ 12 मीटर है तो उसका वेट कितना आएगा वो आपको दोस्तों कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है।
राइट। अब दूसरे जो है देख, अभी यहाँ पे हमने 12 मीटर का लेकिन निकाला, सपोज हमें चाहिए या हमें 20 मीटर की लेंथ है या फिर ज्यादा मीटर की लेंथ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको निकालना है कि 12 मीटर के जो सलिए है, ठीक है, वो 8 mm के 12 मीटर के जो सलिए है वो करीबन 10 नंबर है, ठीक है, 10 नंबर ऑफ बार है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे नंबर्स का एक और एक ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऐड करेंगे तो इसका टोटल वेट हो जाएगा 47.4 केजी। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर 10 नंबर है तो इसका टोटल हो जाएगा 74 केजी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी 10 होगा तो इसका वेट हो जाएगा 106 केजी, राइट, 0.80 केजी, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स वाला बार आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग स्टील का वेट निकाल सकते हैं। 20 एमएम का, 25 एमएम का वेट कितना आएगा 12 मीटर लेंथ का, ठीक है, उसको आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है, इस मेथड से कैलकुलेट करके। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सीबी कॉन्सेप्ट।